आपने कभी स्टीम की हुई छल्ली खाई है, यानी कॉर्न कॉब, और किस तरीके से हमने इसको घर में बनाया है ये भी बहुत जबरदस्त वे है। और इस तरीके से इसके ऊपर चटखारा डालना और खाना, ओहो कमाल का। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, तो आज हम बना रहे हैं स्टीम कॉर्न कॉब, यानी स्टीम की हुई छल्ली। हमने पानी के ऊपर इसको स्टीम किया है जो इसको मीठा रखेगी और बहुत ही ज़बरदस्त और नरम और कमाल की बनती है। हम यहाँ पे किसी भी मार्केट से, आप कहीं से भी छल्ली ले ले, बहुत ही कमाल की आजकल मज़ेदार बन रही है। और आजकल वैसे भी बारिश का मौसम चल रहा है और आप ये घर में ही चटखारेदार मज़ेदार मसाला लगा के आप इसको खा सकते हैं। तो यूँ कुछ इस तरह आप इसको साफ कर लीजिएगा। यहाँ पे वाटर में मैंने थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया है, और नमक ऐड करने के बाद एक बाउल रखेंगे वाटर के अंदर, स्टेनर रखेंगे और उसके अंदर हम छलियाँ रख देंगे। छलियों को धो के ड्राई कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। और कुछ यूँ आपने इसको पानी नहीं टच होने देना, बल्कि पानी के जो एवेपरेशन होगी यानी बुखारात होंगे उसमें ये बड़ी अच्छी स्टीम हो जाएगी और ज़बरदस्त बन के तैयार होगी। तो हम इसको आप देखेंगे, चेक करते हैं, और आप देख सकते हैं ये किस कदर स्टीम से रेडी हो चुकी है। और वाटर जो है इस टाइम बॉटम में है, और हमने इसको कवर किया हुआ था आधा घंटे के लिए। तो फोक की मदद से आप इस तरह से इसको चेक कीजिएगा। तो अगर ये सॉफ्ट हो चुकी है और फोक कुछ इस तरह से अंदर तक इसमें डिप हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ये रेडी है। आप इसको डिश आउट करें, और फिर हमारा यहाँ पे स्टेप स्टार्ट होता है कि हमने इसको कैसे मसाला लगाना है। मसाला एकदम बड़ा स्पेशल होता है कॉर्न कॉब को, यानी छल्ली को लगाने का। और बहुत से लोग आपने स्ट्रीट फूड में भी देखा होगा अपने स्पेशल मसाला जात रेडी करते हैं, क्योंकि मसाला जितना स्पेशल होता है उतने ही मज़े से इसको आप खा सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। तो वन बाय वन मैं यहाँ से इसको डिश आउट कर रही हूँ, और इस तरीके से कुछ ये बॉयल्ड होगी। हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे ठंडा कर लेंगे, और उसके बाद हम इसका मसाला तैयार करेंगे। यहाँ पे 1 टेबल स्पून सॉल्ट जा रहा है, कुछ मैं यहाँ पे रेड चिली पाउडर यूज़ कर रही हूँ, और उसके साथ आप थोड़ा सा, अगर आप चाहें तो यहाँ पे थोड़ा सा आप ब्लैक सॉल्ट ज़रूर ऐड कीजिएगा। इसका एक अलग ही ज़बरदस्त मज़ा आ जाता है जब आप इससे मिक्स करके अपना इस तरह का मसाला तैयार करते हैं। थोड़ी सी आप ब्लैक पेपर ऐड कर लें। और यूँ हमने यहाँ पे एक ऑरेंज लिया, और सीड्स को बाद में आप सेपरेट कर लीजिएगा, और इसको स्क्वीज़ कर दिया, क्योंकि इससे बनने वाला है हमारा चटपटा मसाला, बहुत ही ज़बरदस्त होगा। तो ऑरेंज को हमने स्क्वीज़ किया, फुल ऑरेंज आपने स्क्वीज़ करना है, और हाफ आपने लेमन इसके अंदर स्क्वीज़ करना है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपकी छल्ली को बड़ा मज़ेदार और जायकेदार बनाएगी, एकदम जैसे आप बाहर से ख़रीद के खाते हैं। तो यूँ कुछ इस तरह से इसकी कोटिंग कीजिएगा इस तरीके से, ताकि जो लेमन और ऑरेंज का जितना भी वो था नेक्टर था वो इसके अंदर अच्छी तरह से चला जाएगा। इसके अंदर हमने स्पाइसेस जो ऐड किए हैं वो भी अच्छे तरीके से छल्ली के अंदर इस तरह से कुछ एब्जॉर्ब हो जाता है। तो हमने इस तरह से इसकी कोटिंग की है, कुछ इस तरह से, और आप देख सकते हैं, मेक श्योर कि हर तरफ से इसकी कोटिंग हो, क्योंकि कोटिंग होगी तो ये जो कॉर्न कॉब है ये अपने अंदर लिक्विड को इस तरह से एब्जॉर्ब कर लेता है। हमने इसको इस तरह से किया, और जो बच गया था उसको कुछ इस तरह से मैंने इस पे स्प्रेड कर दिया, ये देखें ऐसे। और अपने कुछ भी फेवरेट, अगर आपको ऑरेंज पसंद है तो उसको इसके ऊपर नमक मिर्च के साथ लगा के खाएं। अगर आपको लेमन बहुत ज़्यादा बहुत तीखा खाना है या बहुत खट्टा खाना है, तो लेमन पे अपना फेवरेट मसाला लगा के कुछ इस तरह से इसको गार्निश करके खाएं, बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल की बनती है। आपने बहुत सी छलियाँ खाई होंगी, कुछ इस तरीके से छल्ली बना के खाएं तो कमाल आ जाएगा। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा, और अपने खूबसूरत कमेंट छोड़ना मत भूलिएगा। नई रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए बाय बाय।